बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हो? ठीक हो? जहां रहो खुश रहो आबाद रहो। तो व्यूअर, आज की वीडियो हमारी काफी जो है कमाल की होने वाली है, क्योंकि सुबह का नाश्ते का टाइम हो चुका है एक तो। दूसरा, आज मैं जो बताऊंगा कि इनको आप गर्मी में कौन सी खुराक दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी में जो है इनको बहुत ही अच्छी खुराक देनी पड़ती है, लेकिन गर्म खुराक जो है वो भी हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा तोता जो है उससे बीमार हो सकता है, हमारे तोते को मोशन भी लग सकते हैं और हमारा तोता जो है बहुत बड़े नुकसान में आ सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी में हम इनको कौन कौन सी खुराक दे सकते हैं और किस टाइम दे सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को हमेशा की तरह प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह पहुंचती रहे। तो व्यूअर, वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को आपने मिस नहीं करना है। तो बात हो रही है खुराक के बारे में कि हम गर्मी में इनको कौन सी चीज जो है खिला सकते हैं। तो सब्जी हम जितनी भी हम इनको खिलाएंगे तो वो इनके लिए बहुत ही बेहतर होती है, क्योंकि ये देखें, ये है तूरी। अच्छा, ये जो तूरी है इसमें है पानी की नमी, क्योंकि इसका जिस्म का पानी जो है खत्म हो जाता है जब हम इसको खुश्क दाना पानी देते हैं। तो हमने इसको गर्मी में ज्यादातर जो कोशिश करनी है, खुश्क दाना पानी जो है हमने इसको नहीं देना है, हमने जो कोशिश करनी है इसको नमी वाली चीज देनी है, जैसे कद्दू हो गया, तूरी हो गई, बैंगन हो गया। तो ऐसी चीजें जो सब्जी हैं, यानी कि हमने इसको वो चीज दोपहर के टाइम लाजम खिलानी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये चीज होती है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें नमी होती है। नमी वाली चीज जो है ये पसंद भी करते हैं, लेकिन इसके जिस्म का पानी भी खत्म नहीं होता है। जो हम गर्मी में इसको ज्वार, बाजरी, मूंगी, ऐसी चीजें जब भी हम इसको देते हैं तो हमारा तोता जो है इससे बीमार होता है। एक पहले नंबर पे ये बीमार होता है, दूसरे नंबर पर इसके जो फेदर हैं ये बिल्कुल गिरने लग जाते हैं, तीसरे नंबर पर जो है ये अपने आप को जो है खुजलाते रहते हैं, क्योंकि इतनी गर्मेश और ये हो जाती है उससे हमारा तोता जो है बिल्कुल हीट में आ जाता है। आपने कभी देखा है दोपहर के टाइम, जैसे दोपहर के टाइम होगा हमारा तोता जो ऐसे सांस लेने में इसको काफी मुश्किल होती है, क्योंकि उस टाइम जो है इनका बदन जो है ज्यादातर गर्म हो जाता है, फुल यानी कि इसका जो जिस्म होता है वो दोपहर के टाइम गर्म हो जाता है। तो उस टाइम जब भी हम इसको खुश्क चीज देंगे, खुश्क मेवा देंगे, खुश्क कोई चीज देंगे, बाजरी हो गई, ऐसी चीजें, कोई भी दाना है यानी कि खुश्क किस्म का, सूरजमुखी हो गई, तो ऐसी चीज जब हम देंगे तो उससे हमारा तोते को मजीद गर्मी पैदा होगी। तो वो चीज आपने बिल्कुल नहीं खिलानी, उस चीज से आपने आपने बचना है और अपने तोते को भी आपने बचाना है। तो दूसरे नंबर पर दोपहर के टाइम जो है इसको ज्यादा से ज्यादा आपने ये कोशिश करनी है, इसको जो नमी वाली चीज है जिसमें पानी हो, जैसे सब्जी में पानी होता है, जैसे यानी के फ्रूट हो तो उसमें भी पानी की नमी होती है, तो ऐसी चीज जो है आप इसको दोपहर के टाइम ज्यादा दिया करें, क्योंकि जितना आप दोपहर के टाइम इसको वो चीज देंगे वो इनके लिए बेस्ट भी होगा। एक तो बिल्कुल इसका जिस्म का जो पानी है ना 100% कम नहीं होगा, 100% इसका जिस्म का पानी कम नहीं रहेगा, तो इसका पानी बराबर होगा। इसको गर्मी तो लगेगी लेकिन ऐसा होगा कि इसका जो जिस्म का पानी है वो 100% सेट रहेगा। तो आपने ये चीज इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मैं भी यही चीज दे रहा हूँ, मेरे मिट्ठू भी यही चीज खाते हैं दोपहर के टाइम। मैं तो सुबह के टाइम भी ये देता हूँ, अब सुबह का टाइम है, दोपहर के टाइम भी ये देता हूँ, शाम के टाइम भी मैं इनको फ्रूट हो गए यानी कि सब्जी सीजन की हो गई, ऐसी चीजें जो है मैं इनको देता रहता हूँ, क्योंकि बहुत ही हमने एहतियात करना है, बहुत ही हमने इसको बचाना है। बिल्कुल आपने इसको ठंडी जगह पे रखना है, फैन वाली जगह पे रखना है, जहाँ पे एसी लगाओ वहां पे आपने रखना है, जहाँ पे एसी लगाओ तो हमने ऐसी जगह पे इसको रखना होगा, क्योंकि ठंडे होंगे तो इनके लिए ये चीज बेहतर होगी। तो इसको हमने गर्मी में कोशिश ये करनी है कि हमने इसको बिल्कुल गर्म चीज से बचाना है, गर्मी से बचाना है, एसी वाले रूम पे हमने रखना है इसको, तो ऐसी जगह पर जब हम रखेंगे हमारा तोता सेट रहेगा। तो व्यूअर, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।